आजाद है हम, ये आजादी कभी छिनने नहीं देंगे। गौरव है हमें भारतीय गणतंत्र पर, इसे कम होने नहीं देंगे। आंख भी उठाएगा कभी कोई हमारे आजाद हिंदुस्तान पर, उन आंखों को फिर दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को आजाद हिंदुस्तान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर अलीराजपुर जिले के समस्त नागरिकों, देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड महामारी की तीसरी लहर से बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, कोविड गाइडलाइन का पालन कर प्रदेश और देश को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। शुभेच्छु निर्भय सिंह पटेल, नायब तहसीलदार जोबट जिला अलीराजपुर। मैं निर्भय सिंह पटेल, नायब तहसीलदार जोबट, समस्त जोबट व जोबट अनुभाग क्षेत्र एवं तहसील क्षेत्र के समस्त निवासियों को, नगरी क्षेत्र के समस्त निवासियों को एवं अलीराजपुर जिले के समस्त निवासीगण को मेरी ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और सबसे अपेक्षा करता हूँ कि हमारे पत्रकार साथी जिस प्रकार से मैदान में उतर कर कोरोना महामारी के विरुद्ध अलख जगाने में लगे हुए हैं, जन जन को जागृत करने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से बीमारी से इस भारत देश को, मध्य प्रदेश को और हमारे ज़िले को मुक्त कराया जाए, इस हेतु जो इनका अभिनव प्रयास है उसमें सब जन पूर्ण तन मन धन से पूरा सहयोग करें और बीमारी की जांच के साथ साथ टीकाकरण में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सभी प्रथम डोज, द्वितीय डोज एवं अब जो प्रिकॉशन डोज लग रहा है वह भी लगवाएं और हमारे अनुभाग, हमारे जिले, हमारे मध्य प्रदेश और हमारे देश को माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की जो मंशा है उसके अनुसार हम सब अच्छा कार्य करें और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 26 जनवरी महोत्सव को हम मनाएं और शुभ संदेश दें संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को कि 2 साल से हम जिस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जिससे हमारे समस्त कहीं कहीं व्यापार धंधे चौपट हैं, हमारे स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, तो ये बार बार स्थितियां ना बने इस हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं गृह मंत्रालय द्वारा जो जो गाइडलाइन समय अनुसार जारी की जा रही है उसका ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट, ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट, जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट एवं राज्य स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट जो जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो क्राइसिस मैनेजमेंट समिति द्वारा उसका धरातल पर पालन कराने का पूरा प्रयास करें ताकि हम हमारी जनता का अधिकाधिक जीवन बचाने का प्रयास कर सकें और इसमें सहयोग कर सकें। इसी आशा के साथ मैं निर्भय सिंह पटेल, नायब तहसीलदार जो